है गाइस, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं सुबह से अपना ये सब वीडियो शुरू नहीं कुछ बनाई, तो मैं आज अभी नहा उहा के रेडी हो करके नाश्ता उस्ता कर करके और उसके बाद सोची कि दोपहर का आज खाने में मैं क्या बनाऊँ। तो फिर सोचते हुए फिर मेरे को लगा कि नहीं, आज पटल वाला चाप वाला जो सब्जी बनता है ना, पटल चाप या पटल दम, आप कुछ भी बोल लीजिए उसका नाम, तो वो बनाते हैं। तो वो भंडारे में जैसे बनता है, उसका खुशबू शादी में ब्याह में या कुछ में भी वैसे बनता है, तो बहुत ही टेस्टी होता है। तो हम सोचे कि आज अपने दोस्तों के साथ में सबको का बनाने का, पटल का सब्जी तो वैसे सबको पटल आलू का दम सबको बनाते हैं, सबका बनाने का अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना मतलब ये खाने का तरीका होता है। आप लोग एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। और मेरे चैनल पर जो भी नए आए हैं, प्लीज़ मेरे चाहिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइब करके जाने में कुछ पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है, बस उंगली से प्रेस करना है और सब्सक्राइब कर देना है। तो प्लीज़ आपके एक मतलब लाइक और सब मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग आप मेरे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। मतलब आप सोचते होंगे कि मेरे एक से के सब्सक्राइब करने से क्या होगा, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब कर एक आदमी के हर एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस मायने रखते हैं। क्योंकि आपका मतलब एक सब्सक्राइब करना और मेरे लिए जो 10 मिनट 5 मिनट का जो टाइम देते हैं आप, वो वाला मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इंपॉर्टेंस आप लोग मेरे लिए हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, और बाकी मैं क्या बोलूँ, आप लोग तो मतलब मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, बहुत अच्छे मेरे को मिले हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं, सभी देखते हैं। पर प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल वॉच किया करिए, फुल वॉच करिएगा, तो मैंने उसे मेरे को और मोटिवेशन मिलेंगे मैं अच्छे अच्छे। और प्लीज़ आप लोग मेरे जो भी नए आए हैं, एक बार मेरे पर भरोसा करके विश्वास करके देखिए, मैं आगे और अच्छे अच्छे आप लोगों को कॉन्टेंट देने की कोशिश करूँगी। और आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या मुझे और आगे क्या क्या लाना चाहिए या क्या बनाना चाहिए, या आप मेरे बारे में और क्या जानना चाहते हैं। आप जो भी मेरे बारे में आपके मन में क्वेश्चन होंगे, मैं जरूर कोशिश करूंगी कि उसका जवाब दूं। तो प्लीज़ दोस्तों, कोशिश नहीं, बिल्कुल जो भी होगा बिल्कुल रियल होगा, सच्ची का होगा। और जो आप मेरे बारे में जानना चाहेंगे, जो भी मेरे बारे में पूछेंगे, एकदम मैं सच्ची वाला एकदम आप लोग के सामने रखूंगी। ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ कॉन्टेंट लेने के लिए कुछ भी बोलूँगी या कुछ भी करूँगी, वैसा कुछ भी नहीं है। जो भी होगा मैं रियल वाली आपकी सखी आपके सामने रहूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में और चलिए देखते हैं टेस्टी टेस्टी। और आप लोग बताइएगा ये सब्जी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा, ये वाला भंडारे वाला सब्जी को और आलू और पटल की सब्जी को। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं पहले। तो आइए देखते हैं आलू पटल की भंडारे वाली सब्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये देखिए, बॉयल किया हुआ आलू मैं 4 ले ली हूँ, आपको जितना अपने ये ज़रूरी हो उतना ले लें। और एक टमाटर काट करके ले ली हूँ। और ये देखिए पटल है, ये ना देसी पटल है, एक बड़ा वाला हाइब्रिड पटल आता है, ये देसी पटल है। तो हम ये देसी पटल का बहुत टेस्टी बनता है, तो हम आज इसी देसी पटल का ही बनाएंगे। और मसाले के लिए प्याज ले लिए, लहसुन ले लिए हैं, एक टमाटर ये ग्रेवी के लिए उसमें अगर मसाला में पीस देंगे बहुत अच्छा आता है, हरी मिर्च ले लेंगे, अदरक ले लेंगे, और ये जीरा है और ये गोल मिर्च है। अब बाद में हम लोग धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर मिर्च पाउडर सब लेंगे। तो इस आलू को हम लोग काट लेंगे और ये पटल को भी हम लोग चाप लेंगे। तो ये आलू को देखिए मैं ऐसे थोड़ा बड़ा बड़ा पीस में कट कर लेना है। इस आलू को कट करने के बाद में इसको हम लोग साइड कर देंगे, ठीक है। फिर ये देखो पटल है, पटल के दोनों साइड का ये हम लोग आँख जो होता है उसको निकाल देंगे। इसको निकाल करके देखिए साफ़ कर लेंगे सारे पटल को हम लोग। उसके बाद में इसको क्या करना, अपने हाथों के जो ये होता है तरहती होता है ना, हाथों से इसको चाप करके, हाँ इसे काटना नहीं है। देखिए प्रेस करिएगा ना तो थोड़ा सा क्रैक हो जाएगा, ये देखिए टूट गया। बस इसको इतना ही करना है, बिल्कुल नहीं निकालना है, बस उसको ऐसे ही करके सिर्फ चाप देना है। चापने से बहुत लोग इसको बोलते हैं चाप पटल वाला, तो ये बहुत अच्छा, इसका मतलब इसमें मसाला और ग्रेवी सब घुस करके अच्छे से पक जाता है। तो ये देखिए पटल और ये तो हमारा अब रेडी हो गया। तो ये देखिए मैं तेल गर्म करने के लिए रख दी थी, क्योंकि इस पटल को हम लोग पहले थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, पटल या परवल, परवल जो भी बोलते हैं आप लोग वही। तो इसको हम लोग थोड़ा इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है, बिल्कुल बढ़िया से। उससे जब तक पटल फ्राई हो रहा है तब तक हम लोग यहाँ मसाला का रेडी कर लेंगे। और इस मसाले को हम लोग मिक्सी जार में रख लेंगे। अदरक को मैं दिखाना के भूल गई थी, इसमें अदरक भी डाल लेंगे। और ये देखिए पीस करके मसाला हमारा रेडी है। और इसमें मैं धनिया पाउडर बड़ा सा एक चम्मच ले रही हूँ, और हल्दी पाउडर, और ये मिर्च पाउडर। मिर्च थोड़ा अपने तीखा कम अगर खाते होंगे तो कम लीजिएगा, ज़्यादा खाते होंगे तो ज़्यादा। ये देखिए पटल बन के हमारा रेडी। अब इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना, बस इतना ही। तब इसको हम लोग निकाल लेंगे। ये पटल हमारा अब रेडी है। फिर इसी कढ़ाई में हम लोग क्या करेंगे,
आलू जो है हम लोग का, इस आलू को भी हम लोग उसी कढ़ाई में लेकर के फ्राई कर लेंगे। आलू को भी थोड़ा फ्राई कर देने से उसका टेस्ट अच्छा आता है। नहीं भी कर सकते अगर कितना, बहुत लोग इस आलू को फ्राई नहीं भी करते हैं तो ऐसे भी बस डायरेक्ट भी बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा फ्राई कर दे रही हूँ, इसका बनाने का अपना अपना तरीका है। ये देखिए हमारा आलू भी बन के रेडी है। अब ये दोनों तो रेडी हो गया और इधर कढ़ाई, उसी कढ़ाई में हम लोग थोड़ा और तेल ले लेंगे। मैं जितना हो सके मैं कम तेल और मसाला का यूज़ करती हूँ। और ये देखिए फ़ोरन में हम लोग तेज पत्ता, जीरा और ये क्या बोलते हैं दालचीनी का एक इंच का टुकड़ा है, एक ठो इसको ले लेंगे। और इसे हम लोग जब तक जीरा थोड़ा ये हो जाएगा उसके बाद मसाला को हम लोग डाल देंगे। मसाला डाल करके इसको, मसाला को हम लोग अच्छे से भून लेना है। और इसी मसाला में जो टमाटर को हम लोग छोटा छोटा काट के रखे थे, टमाटर को भी साथ में भून ली। उसके बाद मसाला जब भून गया तो जो सब्जी फ्राई करके रखे थे उसको हम लोग पटल और आलू को इसमें डाल देंगे। और फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक इसमें डाल देंगे। नमक शमक डाले देते हैं। ये देखिए डाल करके बढ़िया से मिक्स कर दीजिए इसको। देखिए कितना लजीज लग रहा है ना। अब बहुत लोग इस तरह इसको ना बहुत सूखा ऐसे भी खाएंगे, पूरी से, पराठा से, और जैसे भी खाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है ये चावल के साथ में। फिर ये देखिए अच्छे से भुनने के बाद हम लोग इसमें पानी डाल देंगे। पानी अपने हिसाब से, इसमें बहुत ज़्यादा पानी अच्छा नहीं लगता है तो थोड़ा कमी पानी, ढक ढक के उसको हम लोग बना लेंगे। और ये देखिए हमारा इतने ही ग्रेवी मेरे को रखना है, ज़्यादा इससे नहीं रखना है। तो ये मेरा देखिए सब्जी कैसा बन के, और इसको थोड़ा सा प्रेस करके इसे तोड़ लेने से क्या होता है, इसके अंदर अच्छे से तेल, मसाला, नमक सब कुछ घुस जाता है। और इसका फ्लेवर दोस्तों मैं क्या बताऊँ। और इसमें गरम मसाला हम लोग डाल लेंगे, कस्तूरी मेथी है तो भी डाल लेंगे, धनिया पाउडर डाल लेंगे। और ये देखिए बन के रेडी हो गया हमारा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि आलू पटल का सब्जी कितना इजी और कितना सिंपल तरीका से, लेकिन इस तरीके से आप बना करके एक बार देखिए, आप सही में आपके घर में मतलब बच्चे या बूढ़े या जो भी बड़े सब उंगली चाट के खाने लगेंगे। और इसे पराठे या पूरी के साथ में बहुत टेस्टी लगते हैं। देखिए सब्जी का नाम सुनते ही मेरा मुँह भी मतलब क्या बोले लपा रहा है। तो इसीलिए आप लोग प्लीज़ इस सब्जी को एक बार ट्राई करके देखें और इसी तरीके से बना करके देखें। तो दोस्तों मैं उसमें धनिया पत्ती के जगह धनिया पाउडर बोल दी हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ऊपर से धनिया पाउडर नहीं डालिएगा, धनिया पत्ती ही डालिएगा। और थोड़ा ज़्यादा ही सब्जी बनाने के एक्साइटमेंट में धनिया पाउडर, फिर मैं उसे ही बोल रही, पता नहीं मेरे को आज क्या हो गया। कुछ जिस दिन भी मेरे को चटपटा खाने का मन करता तो इसी तरह से चटपटा सब्जी बना लेती हूँ भंडारे वाले। और भंडारे वाले सब्जी किसको पसंद नहीं आते, दूर दूर से फ्लेवर अगर भंडारी वाले आए तो फिर सबको इसमें मन ललचाने लगता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जो जो आपके मन में चल रहा है, जो जो सवाल हो, जवाब हो, मेरे से आप पूछ सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगी कि हर ब्लॉग के बाद आप लोग का क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा करके मैं जवाब देते जाऊं। और मेरे बारे में आप लोग भी जानेंगे तभी तो मेरे को पहचानेंगे, और आप लोग का पूरा हक है, आप लोग मेरे फैमिली हो तो आप मेरे बारे में जानना चाहेंगे। तो प्लीज़ आप लोग के मन में जो भी है कमेंट बॉक्स में जा करके प्लीज़ कमेंट करिए। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।